दोनों हिस्सों से कुछ नमूने आपकी खिदमत में मैंने कल पेश किए थे।
तरीके से कुछ आयतें कुल्ली तौर पर इमामत के सिलसिले में हैं और कुछ आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, इसी तरीके से हदीसें भी हैं। हदीसों का एक हिस्सा वो है कि जो कुल्ली तौर पर आइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत को या इमामत के निशाने में इलाह होने को या इमामत की जरूरत को साबित करता है, और हदीसों का एक हिस्सा वो है कि जिसमें खुसूसियत के साथ आइम्मा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो हदीसें कि जो कुल्ली तौर पर मजमूई तौर पर इमामत के सिलसिले में है, मिसाल के तौर पर मैं माता वलम यारिफ इमाम जमाने ही माता मीतन जाहिलिया, जो भी जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर दुनिया से चला जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। तो कुल्ली बात है, मजमूई तौर पर पैगंबर ने फरमाया अब ये तुम्हारा काम है कि तुम पहचानो कि इमाम कौन है। इमामत के इरफान के बगैर अगर दुनिया से चले गए तो मौत जाहिलियत की मौत होगी, लेकिन इमाम कौन होगा, इमाम किन सिफतों का मालिक होगा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मालूम करो। इसी तरीके से वो हिस्सा कि जिसमें आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत को बयान किया गया है, अगर आप अमीरुल मोमिनीन की हयात तैयबा के ऊपर नजर करें तो दावत सुरशीरा से लेके और खदीर तक न जाने कितने मकामात हैं जिन पर खुसूसी जिन मकामात पर खुसूसी तौर पर अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में या अमीरुल मोमिनीन के शान में हदीसें बयान की हैं। पैगंबर ने शान में हदीसें बयान की है, वही अमीरुल मोमिनीन के बाद आप ही की नस्ल में आने वाले और आपकी ज़ुरियत पाक यानी बाकी अइमा अलैहिस्सलाम उनका भी तआरुफ नाम बनाम करवाया है। सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिलसिला है पैगंबर की हदीसों का अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में, उनकी शान बयान की हदीसों के सिलसिले में। सिर्फ एक हदीस को हुजूर ने तकरीबन 10 मकाम पर बयान करवाया है, इसको हदीस मंजिलत कहा जाता है। इस हदीस मंजिलत को हुजूर ने 10 अलग अलग जगहों के ऊपर 10 अलग अलग मौकों के ऊपर बयान किया है कि अली की मंजिलत हमारे नजदीक हारून वाली है। इसी तरीके से और भी बात हदीसें हैं कि जिनको एक जगह एक मकाम पर यहां बयान फरमाया तो उसी हदीस को दूसरे मकाम पर बयान फरमाया, इसलिए कि मकसद अली की अजमत को बयान करना है। हो सकता है कि यहां जिसके जो अफराद हो वो दूसरे अफराद रहे हो, वहां जो अफराद जहां हदीस से मंजिलत आपको 10 मकाम के ऊपर मिलेगी, कम से कम 10 मकाम आते हैं जहां ऊपर इस हदीस मंजिलत को हुजूर ने बयान किया है। हदीस मंजिलत के अलावा कितनी हदीसें हैं कि जो हुजूर ने खलवत में, खलवत का मतलब तन्हाइयों में बयान फरमाई, जहां सिर्फ पैगंबर और अली, ए अली तुम ये हो तुम ये हो तुम ये हो तुम ये हो,
बहुत सी हदीसें बाज लोगों के सवाल में बयान फरमाई है, किसी ने कोई सवाल कर दिया अमीर मोमिन से मुताल्लिक, उसे अजमत बयान बताने के लिए हुजूर ने फरमाया कि अली की मकाम, अली का मकाम और अली की मंजिलत क्या। और एक चीज और अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, जिस तरीके से कुरान के सूरों और कुरान की आयतों के नाम है ऐसी हदीसों के भी नाम है, ऐसे ही हदीसों के भी नाम है। कुरान मजीद में आप सूरे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ये सूरह हंद है, ये सूरह बकरा है, ये सूरह आले इमरान है, ये सूरह निसा है, और ये सूरह अनाम है, और ये सूरह आराफ है, और ये वगैरह वगैरह। जिस तरीके से कुरान के सूरों के नाम है ऐसे कुरान की आयतों के भी नाम, ये आयत तकलीर है, ये आयत मान है, आयत मुअक्कद है, आयत तकदीर है, ये आयत मुअज्जला है, ऐसी हदीसों के भी नाम। हदीसों में हदीस कैर है, हदीस मंजिलत है, हदीस सफीना है, ये सब हदीसें हैं। एक शख्स ने हुजूर को भुना हुआ परिंदा पेश किया, उसने शिकार किया था, उसको जबा किया, जबा करने के बाद अच्छे से बनाया और बनाने के बाद हुजूर की खिदमत में लेके आया, हुजूर मेरी ख्वाहिश यह है कि इसे आप तनामन फरमाएं। जैसे ही हुजूर की खिदमत में ये शख्स लेके आया, हुजूर ने दुआ के लिए हाथों को उठा दिया, महबूब अपने महबूब बंदे को भेज ताकि इस वक्त वो आके मेरे साथ इस परिंदे को, इस शिकार को तनावन करे। अब हुजूर ने जैसे ही बयान किया तो जाहिर बात है माशाल्लाह का तो भरा था ही, घर था और रवालियां भी थी, लिहाजा बस अब सोचा कि ये तो बेहतरीन मौका है महबूब खुदा होने का, ये चलो अपने बाबा को हम बुला लाते हैं, अपने बाबा को हम बुला लाते हैं, अपने बाबा को हम बुला लाते हैं, अपने भाई को बुला लाते हैं, कोई अपने भाई को बुलाने के लिए, कोई अपने बाबा को बुलाने के लिए दौड़ी, ये घर से गई और न दरवाजे से मौला अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए। यह हदीस-ए-हदीस
एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत, जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे जब तक कि मेरे पास हज़रत मुहम्मद पर पहुंच न जाए। मसल अहले बैत की मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है, जो भी सवार हुआ वो नजात पा गया, जिसने भी नूहबरदानी इख्तियार की वो गर्क और तबाह हो गया। अल हसन व हुसैन, अल हसन व हुसैन हुमा इमामान, हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं। ये कौन कह रहा है? पैगंबर फरमाना है अल हसन व हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो जहां एक तरफ अमीर मोमिनीन की शान में, दूसरी तरफ बकिया अलैहिस्सलाम की शान में। पास ऐसे मकाम आए हैं कि हुजूर से सवाल हुआ, हुजूर ने कोई हदीस नहीं बल्कि खुद नाम लिए हैं अहले बैत, मसलन जिस वक्त जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए, और पैगंबर की खिदमत में हाजिर होने के बाद उन्होंने साहिबाने अम्र से मुताल्लिक सवाल किया, यार साहिबाने अम्र कौन है, ये साहिबाने अम्र कौन है। कल की मजलिस में मुख्तसरन मैंने इशारतन एक मुख्तसरन जिक्र किया था, मैं इशारा किया था साहिबाने अम्र कौन है। पैगंबर से जो सवाल हुआ तो पैगंबर ने कहा, जाबिर सुनो, ये मेरे बाद मेरे खुलाफा, ये मेरे बाद उम्मत की अइमा है, इनमें के अली है, इनमें के पहले अली है, फिर हसन है, फिर हुसैन है, फिर अली इब्न हुसैन है, फिर मोहम्मद इब्न अली है। जाबिर देखो ये मेरा बेटा जिसका जमाना तुम पाओगे, और जो मेरे इस जमाने मेरे इस बेटे से मुलाकात मेरा सलाम पहुंचा देना। इसके बाद देखो जाफर इब्न मोहम्मद है, फिर मूसा इब्न जाफर है, फिर अली इब्न मूसा है, फिर मोहम्मद इब्न अली है, फिर अली इब्न मोहम्मद है, फिर हसन इब्न अली है। ये जानकर देखो आखिर में मेरा वो जानशीन होगा कि जिसकी गैबत दुलानी होगी, और वो उस वक्त जहूर करेगा कि जब दुनिया कुफ्र जलालत से भरी होगी, और वो आने के बाद इस कुफ्र जलालत और गुमराही से भरी हुई दुनिया को हिदायत से भर देगा। एक सलावत कहते मोहम्मद वाले मोहम्मद, वहीं दूसरी तरफ बकिया अलैहिस्सलाम के हमें यहाँ तक के खुद इमाम ज़माना की शान में हदीस है, इमाम ज़माना की गैबत के सिलसिले में हदीस है, इमाम ज़माना के ज़हूर के सिलसिले में हदीस है, इमाम ज़माना की हुकूमत के सिलसिले में हदीस है, रज़ाअत के सिलसिले में हदीस है। ये पूरा सिलसिला है जो आपको हदीसों की किताबों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन आयतों और हदीसों से साबित क्या होता है? कल हमने दो तरीके की आयतें आपकी बयान खिदमत बयान की, आज दो तरीके की हदीसें। मकसद क्या, मतलब क्या है? मकसद और मतलब वाज़ेह है, मकसद और मतलब साफ है। मकसद और मतलब है आइम्मा अहले बैत यानी आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की इमामत के मिनशानिबिल्लाह होने पर सबूत फराहम करना, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मासूम होने पर सबूत फराहम करना, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत और उनके मकाम और उनके मर्तबे को बयान करना। अब यहां अगर बात आ गई है तो अब उस शख्सियत की तरफ आ जाए कि जिस शख्सियत से मुताल्लिक आज की शबर,
अब आप अंदाजा लगाइएगा, अगर छे आइन्मे अहले बैत को नस्ल रसूल कहा जाता है, तवज्जो कीजिएगा, आइन्मे अहले बैत को आइन्मे अठार को नस्ल रसूल कहा जाता है और है नस्ल रसूल से, इसलिए पैगंबर ने खुद फरमाया कि सबका शजरा उनके पाप से चलता है, मेरा शजरा सबका शजरा और बेटे से चलता है, मेरा शजरा बेटी से आगे बढ़ेगा, सबका शजरा बेटे से चलता है, मेरा शजरा बेटी से चलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है और इसको सारे मुसलमानों ने कबूल किया है, यहां तक के वो मुसलमान भी जो आइम्मे अथहार की इमामत को नहीं मानते वो भी सैयदा की औलाद को सैयद जानते हैं। एक सलवात भेजते मोहब्बत वाले मोहम्मद, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये नस्ल रसूल, लेकिन जहां नस्ल रसूल है क्या कोई इंकार कर सकता है कि ये नस्ल अबू तालिब नहीं है? एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिस बाप का शजरा और जिस बाप की नस्ल इतनी पाक और ताहिर हो वो खुद कितना पाक और ताहिर होगा। एक सलावत कहते मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इसी वजह से हमारे पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि सलाम ने फरमाया, काफिरों ने या मुशरिकों ने नहीं लगाया कि हमारे इनको तुम कहा लिया जा रहे हो,
या इनको अपना क्यों बता रहे हो तुम? आपको पूरी तारीख नहीं मिलेगा, पूरे मेंबर से पूरे यकीन से कह रहा हूं कि काफिरों ने कहा कि ये तो हमारे, इनको तुम अपना क्यों कह रहे हो? जनाबे मुतालिब के ऊपर के सिलसिले में किसी काफिर ने नहीं कहा, किसी मुस्लिम ने नहीं कहा, एक साजिश के तहत मुसलमानों ही एक गिरोह से तबके की तरफ से जनाब मुतालिब के ऊपर इल्जाम लगाए गए और मुसलमान ऐसा प्रोपेगंडा किया गया। आप देखिए प्रोपेगंडा कितना असर होता है। ऐसा प्रोपेगंडा किया गया कि जनाब अबू तालिब जैसी बाईमान हस्ती और उसे मुसलमानों के दरमियान मशकूक बना दिया कि पता नहीं थे कि नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं कि थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं थे, मशकूक बना दिया। बहुत बड़ा दर्द है, यकीनन ये मजलूमियत है, बहुत बड़ा दर्द है। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी पूरी तारीख है कि क्यों किया गया। आप सब जानते हैं कि सारे मुसलमान जब हजरत अबू बकर का नाम लेते हैं क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह। लेकिन जब हजरत अली का नाम लेते क्या कहते हैं? कर्रमल्लाहु वजहु। क्यों नहीं रज़ी अल्लाह कहते? कहा नहीं, अली वो है कि जिन्होंने कभी भी किसी बुत के सामने पेशानी नहीं देखी। अगर जिसका बेटा इस मंजिल पे हो, जिसके बेटे का ईमान इस मंजिल के ऊपर हो, तो उसके बाप का ईमान किस मंजिल के ऊपर होगा? एक सलाम भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो हुजूर का मोहसिन है,
उसके इंतकाल में तुम क्या देखते हैं? और हमें नहीं मिला कि तुम्हारा कहीं गुजर हुआ हो, जब तुम थे ही नहीं तो तुमने कहां से कह दिया कि हम वो कार में बैठे कह रहे थे, कान में बैठे कह रहे थे। और कान में बैठे ये नहीं कह रहे होंगे हुजूर, कान में बैठे वो तालिब को बता रहे होंगे कि चचा जब तक आप हैं, आपकी वजह से हमें बड़ा सपोर्ट था, बड़ा सहारा था, बड़ा इत्मीनान था, अब आप जा रहे हैं, अब आप रुखसत हो रहे हैं, अब आप हमारा नासिर कौन होगा, लेकिन आप जा रहे हैं, लेकिन ये आपका एहसान है कि आपने हमको बगैर नासिर के नहीं छोड़ा है। जब तक आप हयात रहे, आपने नुसरत की, आप अगर नहीं है तो आपका बेटा मेरा नासिर है। ऐसा भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद और हकीकत ये है कि जनाब अबू तालिब सिर्फ अगर मुसलमान खाली तारीख पढ़ ले लेकिन बस वही के ना मानने पे आए तो आप मना नहीं सकते, और मानने पे आ जाए तो नहीं मानना चाहिए वो भी मान लेता, और जब ना मानने के ऊपर आए तो मैदान की चीज और सामने की चीज भी समझ में नहीं आती। बिल्कुल यही सूरत है, वरना जनाब अबू तालिब का किरदार, जनाब अबू तालिब की शख्सियत, अरे रोज़े रोशन की तरीके से वाज़ेह है। जितने वाकयात हैं जनाब अबू तालिब के हुजूर सरकार रिसालत के सिलसिले से या खुद मक्के और खाने खुदा की तौलियत के हवाले से, मक्का वो उस वक्त बहुत बड़ा सिटी नहीं था, छोटा सा शहर था, जो जो कुछ भी करता था सबके सामने था। कोई तारीख नहीं कहती जनाब अबू तालिब ने किसी एक आन भी किसी बुत के सामने हाथ जोड़े हो या अपनी पेशानी फेंकी हो, बल्कि तारीख ने तो ये लिखा कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे, जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब रुखसत होने लगे तो अबू तालिब को बुलाया। क्यों अबू तालिब को बुलाया? और भी तो बेटे थे। अरे जनाब तालिब के अलावा भी तो और बेटे थे, क्यों नहीं किसी और बेटे को बुला लिया पैगंबर की तरबियत के लिए? या अबू तालिब ही का इंतखाब क्यों है? किसी मुसलमान में हिम्मत जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए कुछ कह सके? कहे कैसे? इसलिए उस मुत्तलिब की, मुत्तलिब के ईमान का तो गवाह खुद सूरह फील है, उसके ईमान का गवाह तो सूरह फील है कि जिस वक्त यह अब्राहिम का लश्कर खाने काबा उठाने के लिए आया है, यही जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे कि जो अब्राहिम के पास गए और जाने के बाद कहा कि तुम्हारे लश्कर वालों ने मेरी पत्नियां पकड़ ली हैं। अब रहा हैरत में पड़ गया कि इनको अपनी बकरियों की फिक्र है और पूरे कबीले और कौम और खानदान और मक्के की कोई फिक्र नहीं। ताज्जुब से नहा रहा गया आप, उसने पूछ लिया अब्दुल मुत्तलिब का तुमको पता नहीं कि हम किस लिए आए? पता है तुमको किस लिए आए? ये जिसका तुम तवाफ करते हो इसी को ढाने में लिए आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि पता है हमको, कभी कोई एक्शन क्यों नहीं, कोई रिएक्शन क्यों नहीं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं कौन हूं एक्शन रिएक्शन दिखाने वाला? जिसका मैं मालिक था उसके सिलसिले में रिएक्शन दिखाया, बकरियां मेरी थी लेकिन उन बकरियों की सिफारिश करने के लिए मैं आया। घर का भी कोई मालिक है और जो मालिक है वही बचा लेगा। सलामत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बकरियों का मालिक मैं था, इनको बचाने के लिए मैं आया। घर का भी कोई मालिक है? जो मालिक है वो बचा लेगा। जनाब अबू
तालिब ने किस यकीन में डूब के जुमले कहे थे कि अबू तालिब बाहर निकले और आसमान को बराबर पीलों का लश्कर है। उसी अबू तालिब, उसी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं जनाब अबू तालिब। लेकिन मैंने जैसा अर्ज किया कि बेटे तो और भी थे, ये जब दुनिया से जा रहे हैं अबू तालिब ही के हवाले करने क्यों जा रहे हैं? बेटे और थे, लेकिन आवोश किसी भी बेटे की इस लायक नहीं थी, किसी बेटे की आवोश इस लायक नहीं थी कि अल्लाह का हबीब उस आवोश में परवान चढ़े। अगर अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में कोई आवोश इस लायक थी कि अल्लाह का हबीब उस आवोश में परवान चढ़े, तो वो अबू तालिब की आवोश थी। कि जब पैगंबर सती जनाब अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से रुखसत हुए और जनाब अबू तालिब पैगंबर सती मंतबत की परवरिश कर रहे हैं, उनको परवान चढ़ रहे हैं, और आप अपने इस बेटे के लिए जिसके लिए रसूलुल्लाह के लिए इतना निगरा रहते थे, इतना अलर्ट रहते थे कि रात को भी पैगंबर को तनहा नहीं सोने देते थे। ये तारीख है जो बयान कर रहा हूं आपकी खिदमत में। रात को भी पैगंबर को जनाब अबू तालिब तनहा नहीं सोने देते थे, यहां तक कि जब जनाब अबू तालिब की औलाद बड़ी हुई है तो जनाब अबू तालिब क्या करते थे? बिस्तर बदल देते थे, रात को बिस्तर बदल देते थे ताकि कोई शकून न मार सके, कोई गलत इरादे से न आ सके। जहां पर पैगंबर लेटे होते थे वहां लोगों कभी अली को, कभी जाफर को, कभी तालिब को आके लेटा देते थे, और पैगंबर को लेकर उनकी जगह पर लेटा देते थे। पैगंबर आए नौजवानी के आलम में, अभी पैगंबर ने ऐलान नहीं किया है मक्के की गलियों में, या अभी पहली आयत या वही आयत नहीं आई है, अभी पैगंबर महफूज परिसालत नहीं हुए हैं, और पैगंबर जा रहे हैं कहां? शाम। किस लिए जा रहे हैं? तिजारती काफिले के साथ। किसका काफिला? जनाब अबू तालिब का। जनाब अबू तालिब किसका काफिला ले जा रहे हैं? जनाब खदीजा का। एक सिलसिला है। क्यों नहीं मक्के में छोड़ के गए? नहीं, अबू तालिब जिस तरीके से पैगंबर कभी भी अली को अपने से जुदा नहीं करते थे, ऐसे ही तारीख मिला कि जनाब अबू तालिब कभी भी पैगंबर को अपने से जुदा नहीं करते थे। यहां तक कि अब सीरिया जाने लगे तिजारत की गरज से तो पैगंबर को अपने साथ लेके गए, अपने साथ लेके गए। ये साथ किस लिए ले गए थे? वे तिजारत की गरज से ले गए थे? नहीं, तिजारत की गरज से नहीं, हिफाजत की गरज से। अगर मोहम्मद यहां मक्के में रहेंगे तो किसके सहारे रहेंगे, किसके पास छोड़ ले जाएं? जनाब अबू तालिब को किसी पे एतबार नहीं था मक्के में, किसके ऊपर छोड़ ले जाएं? अगर अपने साथ लेकर गए, रास्ते में ताज्जुब है, ताज्जुब है, रास्ते में इसी शाम के रास्ते में काफिला रुका। अब जो काफिला रुका, ये काफिला एक गिरजाघर के करीब जिसमें एक राहिब रहता था, और उस राहिब ने जो मंजर देखा तो वो मंजर देख के हैरान हो गया, और जिस वक्त उसकी नजर पैगंबर अपनी मर्तबत में पड़ी है, अभी नौजवान खूबसूरत नजर पड़ी तो निगाहें टिकी रह गई और जहन में कुछ ख्याल आने लगा कि
हमने तो ऐसी सूरत कहीं पढ़ी है, तवज्जो कीजिएगा, हमने तो ये जो सूरत दिख रही है, हमने तो ये सूरत कहीं पढ़ी है। पेशानी ऐसी होगी, आंखें ऐसी होंगी, अबरू ऐसे होंगे, रुखसार ऐसे होंगे, कद ऐसा होगा, ये तो हमने सूरत कहीं पढ़ी है। ये बादल अगर ये जा रहा है तो ये बादल तो सर के ऊपर है, ये बादल तो सर किए हुए सर के ऊपर है। इससे रहा न गया का इस बच्चे का सरपरस्त कौन है? जना में उतारे का बोलो मैं हूं का इधर आओ का तुम उसके सरपरस्त कहा जानते हो उस बच्चे के मुताबिक जानते हो? हाँ ये बड़ा भतीजा है, नहीं इसके अलावा भी कुछ जानते हो? इसकी हिफाजत करो, इसको वापस ले जाओ, इसलिए कि मैंने जो इंजील में आखिरी नबी की अलामतें और सिफतें पढ़ी हैं वो इसके अंदर हैं। इंजील में जो हमने आखिरी नबी की सिफतें पढ़ी हैं वो सिफतें इस जवान के अंदर हैं, इसकी हिफाजत करो। आखिरी नबी याद रखिए, आखिरी नबी और मुसलमान कहता है ईमान ही नहीं लाए, और जो अबू तालिब आखिरी नबी की हिफाजत के लिए उस वक्त जब अभी दावा नबूवत हुजूर ने किया भी नहीं तब वो अबू तालिब वापस लेके आ रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस नबी के खुदा को कुछ ना होने पाए, इस रसूल खुदा को कुछ ना होने पाए। वो राहिब जानता था कि ये नबी खुदा है, ये रसूल खुदा है, जनाब अबू तालिब नहीं जानते थे। अजीजो जानते थे, लेकिन मसला ये था कि अभी तक अबू तालिब के अलावा कोई नहीं जानता था। अबू तालिब जानते थे, लेकिन अभी तक अबू तालिब के अलावा कोई नहीं जानता था कि ये नबी खुदा है, ये रसूल खुदा है। वो तो खाली सादिक जानते थे, वो तो खाली अमीन जानते थे, वो तो खाली यतीम अब्दुल्लाह जानते थे, ये अबू तालिब थे जो जानते थे कि ये खाली यतीम अब्दुल्लाह नहीं है, ये खाली सादिक और अमीन नहीं है, ये नबी खुदा है, ये रसूल खुदा है। लेकिन अब मसला ये था कि अभी तक खाली अबू तालिब को पता था, लेकिन जैसे देखा राहिब ने वो राज खोल दिया, कि कहीं अगर इसकी बात पक्के वालों तक पहुंच गई तो मेरे भतीजे को खतरा ना हो जाए, लिहाजा जनाब अबू तालिब पैगंबर अपनी मर्तबत को लेकर वहीं से वापस हुआ कि काम हो ना हो, रोजगार हो ना हो, तिजारत हो ना हो, लेकिन ये मेरा बेटा महफूज रहे, मेरा भतीजा महफूज रहे, इसको कोई तकलीफ ना होने पाए। सारी तारीखों ने लिखा कि जनाब अबू तालिब वहां से वापस हो गए, वापस हो गए। यही जनाब अबू तालिब, बस एक वाकया और बस रब्ते मसाए। जब पैगंबर ने इसी मक्के में अगर से हालात और वाकयात और रवायतें बहुत हैं, मैंने अर्ज किया कि मुझे जनाब अबू तालिब का ईमान नहीं साबित करना है, साबित उसका किया जाता है जिसका साबित ना हो। हम तो खाली वाकयात सुना रहे हैं कि अबू तालिब की फजीलत देखो, मकाम देखो, मर्तबा देखो, हम ईमान साबित करने नहीं बैठे। तो जनाब अबू तालिब जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन की विलादत का वक्त करीब आया, कमाल यह है कि सारी तारीखों ने लिखा और यह भी लिखा कि अली के अलावा कोई खाने काबा में पैदा नहीं हुआ, और ये भी लिखा है कि इनकी माँ दरवाजे से नहीं दीवार से गई है, दीवार में दर बना उधर से गई है। ये भी लिखा कि 3 दिन अंदर रही,
इसके बावजूद अब यहाँ पर सब खामोश थे। तीन दिन अगर फातिमा बिनते असद वहां थी तो अबू तालिब कहाँ थे? सवाल है कि नहीं? जनाब अबू तालिब को हैरान होना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था, लोगों से शिकवा शिकायत करनी चाहिए थी, ढूंढना चाहिए था, तलाश करना चाहिए था, कोई इत्तेजाज करना चाहिए था, लेकिन हमें तो किसी तारीख में नहीं मिला कि जनाब अबू तालिब जनाब फातिमा उस दर के दीवार बनने के बाद और उस दर के बंद होने के बाद जनाब अबू तालिब निकले और अरे अरे कहाँ चली गई मेरी फौजा, अरे कहाँ चली गई फातिमा बिनते असद और अब क्या होगा, और वहां मैला मचाई हो कोई मक्के में किसी से कुछ कहा हो। हाँ, इसी मस्जिद हराम में रवायत मुतबर रवायत है, जनाब अब्बास को हुजूर के चचा थे वो बैठे हुए थे, उनके साथ कुछ और अफराद बैठे हुए थे कुरैश के, ये सब गवाह हैं, इनको सब कुछ ताज्जुब था कि फातिमा बिनत असद हराम में कैसे आई, क्या कहा, कैसे गई, और ये दीवार फिर अपनी हालत हो गई तो ये अंदर है कैसे, पूरे मक्के को ताज्जुब। लेकिन अगर ताज्जुब नहीं था तो अबू तालिब को ताज्जुब नहीं था, पूरे मक्के को ताज्जुब था, लेकिन अगर ताज्जुब नहीं था तो अबू तालिब को ताज्जुब नहीं था। क्या ये सिर्फ यही ताज्जुब ना होना अबू तालिब के यकीन के लिए काफी नहीं है कि जिस अबू तालिब का यकीन ईमान को दूर यकीन अल्लाह के साथ पे ना हो तो उसका ईमान किस मंजिल के ऊपर होगा, जिसका यकीन किस मंजिल के ऊपर हो तो उसका ईमान किस मंजिल के ऊपर होगा। और अजीजों याद रखो, मैंने अर्ज किया कि ये जनाब अबू तालिब का ईसार और उनकी कुर्बानी और जनाब अबू तालिब और उनकी औलाद के जरिए से इस्लाम का फलना फूलना यही अबू तालिब और औलाद अबू तालिब की दुश्मनी का सबब बना है। ये अबू तालिब अगर तुम्हारी वजह से पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम फैलाया तो जिस इस्लाम की वो बात करते हैं, जिस ईमान की वो बात करते हैं, उसी इस्लाम और उसी ईमान के सिलसिले में तुमको हम मशकूक बना देंगे। इसका बदला तुमसे नहीं, तुम्हारी औलाद से लेंगे, तुम्हारी नस्ल से लेंगे कि तुमने मोहम्मद का सपोर्ट क्यों किया, तुमने उनकी हिमायत क्यों की, तुमने उनकी हिफाजत क्यों की, तुमने उनकी जान को क्यों बचाया। ये जनाब अबू तालिब और औलाद के मुताबिक से बदला लिया गया है। जो जनाब अबू तालिब का हिसार रहा है, जो कुर्बानी रही है पैगंबर की मर्तबत और आपके इस दीन इस्लाम शरीयत और कुरान के सिलसिले में, और क्या कहना उस शख्सियत के लिए इसकी पूरी नस्ल इस्लाम के ऊपर कुर्बान हो गई हो। हमें तारीख में कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिली, कोई इतनी बुलंद शख्सियत नहीं मिली जनाब अबू तालिब जैसी कि जिस एक बात की इतनी औलाद इस्लाम की राह में कुर्बान हुई हो। हमें नहीं पता है किसी को हो, किसी की नजर में तो बताया हमको कि एक बात की इतनी औलाद थी और वो भी इस्लाम के लिए और अल्लाह के लिए खत्म हो गई। ये सिर्फ अबू तालिब है कि जिनकी पूरी नस्ल कुर्बान हो गई, पूरी औलाद कुर्बान हो गई। ये करबला में ये जो 18 बनी हाशिम कहे जाते हैं, ये 18 बनी हाशिम नहीं थे, ये 18 बनी अबी तालिब थे। ये 18 बनी अबी तालिब थे, सब अबू तालिब की औलाद है। इनमें या जाफर की औलाद है, या अकील की औलाद है, या मौला अली की औलाद है। इन 18 में अगर इन तीन के अलावा किसी और की औलाद को बताइए, या मौला अली की औलाद, या जाफर की औलाद, या अकील की औलाद। मौला अली किसके बेटे? अबू तालिब के। जाफर किसके बेटे? अबू तालिब के।
अकीम किसके बेटे? अबू तालिब के। कि पूरी नस्ल है जो कर्बला में अबू तालिब के काम आ गई। हकीकत में ये कर्बला के मैदान में अगर अल्फाज को बदल कर तो गलत नहीं होगा। ये कासिम का नशा नहीं पामाल हो रहा था, अबू तालिब का नशा पामाल हो रहा था। ये कर्बला के मैदान में अली अकबर के सीने में बच्ची नहीं लग रही थी, ये अबू तालिब के सीने में बच्ची लग रही थी। ये कर्बला के मैदान में अब्बास के शाने नहीं कलम हो रहे थे, ये अबू तालिब के शाने कलम किए जा रहे थे। ये कर्बला के मैदान में अली असगर के गले में तीर नहीं लग रहा था, ये अबू तालिब के गले में तीर मारा जा रहा था। ये कर्बला के मैदान में तीन दिन के भूखे और प्यासे हुसैन को जबा नहीं किया जा रहा था, ये तीन दिन के भूखे प्यासे अबू तालिब को, ये अबू तालिब के गले में खंजर चल रहा था। और फिर इम्तिहानात यहीं पे खत्म नहीं हुए, कुर्बानियां यहीं पे तमाम नहीं हुई। जैसे ही जज़ाए कर्बला में आवाज गूंजी, अल्लाह कुतिल अल-हुसैन व कर्बला, अल्लाह ज़ुबह अल-हुसैन व कर्बला, बस इस आवाज के बुलंद होते ही एक मरतबा इन ज़ालिमों ने खैमों में रुख किया और अली और फातिमा की वो बहू बेटियां के चश्मे फलक ने जिनका साया न देखा था, उन्हीं बहू और बेटियों के सरों से नैजों की अलियों से चादरें खींचने लगे, नैजों की अलियों से चादरें खींचने लगे। चार साल की सकीना रुखसारों के ऊपर तमाचे, कानों से गोशवारों का उतरना, दामन में आग लगना, ग्यारहवीं मुहर्रम को कैदी बन के इस काफिले को कर्बला से कूफे और शाम की तरफ जाना। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जनाब अबू तालिब जिस वक्त दुनिया से रुखसत हुए हैं, जिस साल जनाब तालिब रुखसत हुए उसी साल जनाब फातिमा बिनते असद भी रुखसत हुई है। जनाब अबू तालिब रजब में रुखसत हुए, जनाब फातिमा बिनते असद रमजान में रुखसत हुई। कुछ ही फासले के बाद उसी जनाब और जनाब खदीजा भी उसी साल रुखसत हुई। जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा की फुरकत और जुदाई पैगंबर को इतनी शाक हुई है कि पैगंबर खदी मर्तबत ने उस पूरे साल का नाम ही आमुल हुज्न रख दिया। हुज्न का साल, गम का साल। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, चचा दुनिया से रुखसत हुआ, आपने गम मनाया। चची दुनिया से रुखसत हुई, आपने गम मनाया, बल्कि पूरा साल का नाम ही गम का साल रख दिया। उस साल हुजूर ने कोई खुशी नहीं मनाई। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, हाँ जब शफीक चचा दुनिया से जाए ऐसे भी गम मनाया जाता है, जब माँ के बराबर चची दुनिया से जाए, जब ऐसी सौजा दुनिया से रुखसत हो तो ऐसे ही गम मनाया जाता है। लेकिन ये दस्तूर तो कर्बला में बदला हुआ नजर आया। अजादारो, बेटा मौजूद, बेटियां मौजूद, बहनें मौजूद, लेकिन जब याद करके क्रिया करते थे कभी शिम्र का ताजियाना, कभी जालिमों के दुर्रे, कर्बला से कूफा, कूफा से शाम। अजादारो, जिस वक्त ये काफिला शाम में पहुंचा है, शाम में इस काफिले को कैसे ले जाया गया, बस इसी के बाद तमाम। शाम के काफिले को कैसे ले जाया गया है? एक रसन थी और 18 गले थे, एक रसन और 18 गले। इसी में ज़ैनब का गला है, इसी में रुकैया का गला है, इसी में कुलसूम का गला है, इसी में लैला का गला है, इसी में फरवा का गला है, और इसी में 4 साल की सकीना का गला है। आगे आगे नैज़ों के ऊपर शुहदा के सर, उनके पीछे हमारा चौथा इमाम, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौ, कमर में लंगर, उनके पीछे रसद बस्ता बीबियां,
और जालिम खींचते हुए ले जा रहे हैं, जिसका मरसिया हमारे चौथे इमाम ने पूरी जिंदगी पढ़ा है, जिस वक्त मिनहाल ने कहा था कि आका शहादत तो आपके घर की मीरास है, हमारा चौथा इमाम तड़प गया था और तड़प के कहा था मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया, यकीन शहादत मेरे घर की मीरास है, लेकिन क्या ये भी मेरे घर की मीरास है कि मेरी माँ और बहने इस हालत में बनवाए हमने लाई जाए कि उनके सर पर चादर दो, हाथ पसे गर्दन बने हो, आगे आगे मुनादी की निगाह हो, और ऐसे खींचते हुए ले जाए। चौथे इमाम से सवाल हुआ आका सबसे ज्यादा तो साहिब कहां पे, इमाम ने तीन मरतबा फरमाया अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अरे शाम में हमें ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे कि जैसे तुर्क दैनन के गुलामों और कैदियों को ले जाते हैं, आजादारो आगे आगे लहजों के ऊपर शहादा के सर, उसके पीछे हमारा चौथा इमाम कैदी बना हुआ, उसके पीछे एक रसल और बारह गले, आजादारो इसी में जहां सारी बीवियों के गले थे चार साल की सकीना का निकला है, और जब बीवियां और जब ये रस्सी जालिम खींचता था बीवियां आगे बढ़ती थी सकीना का गला तंग होने लगता था, या बीवियां छूट जाती थी या बीवियां बैठ जाती थी, कैसे काफिला दरबार तक पहुंचा मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन कहते जिस वक्त दरबार के करीब काफिला पहुंचा बस एक मरतबा ज़ैनब का गुस्सा जरा मालूम करो काफिले को क्यों रोका गया है, पता चला कि दरबार सजाया जा रहा है, और जब आईने अंदर जाएंगे कुर्सियां बिछ जाएंगी कुर्सियों पर मेहमान आएंगे बैठ जाएंगे तब काफिले को दरबार में ले जाया जाएगा, वो ज़ैनब जो कर्बला में कर्बला से लेकर कूफे तक आ गई कूफे से लेकर शाम तक आ गई लबों के ऊपर बद्दुआ के जुमले न लाई, लेकिन जैसे ये सुना आवाज़ें बीवियों करीब आओ मैं बद्दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना, अभी लबों के ऊपर बद्दुआ के जुमले लाना ही चाहती थी कि नजर पड़ी उस लहजे के ऊपर कि जिस पर भाई ने सर था, क्या देखा आंखों में आंसू, चौथे इमाम ने अक्कड़ियों बेड़ियों को संभाला उस लहजे के करीब आए बाबा तो कदम मुसीबत आ गई, कटे हुए सर से आवाज आई ए मेरे लाल सैयद सच्चा मेरी बहन से कह दो कि बद्दुआ के जुमले लबों पे लाना है, अरे इसी तरीके से दरबार में लाए ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये मेरी बहनों का इम्तिहान है, ये मेरी सभी माओं की बच्चियों इन्नका अस्समीउल अलीम। माँ कहे